ओके, वी आर बैक अगेन। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज अजय साइड फ्रॉम ऑटो पॉप्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 जागवार एक्सेप्ट के बारे में और कौन कौन से फीचर्स जागवार इंडिया जो है 2021 जागवार एक्सेप्ट के अंदर लाने वाला है। तो गाइस, आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फीचर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इसका रिवाइज्ड एक्सटीरियर। इसके रिवाइज्ड एक्सटीरियर में हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी हेडलाइट्स की। पहले ऑलरेडी जागवार में फुल एलईडी हेडलैम्प्स आते थे जो टॉप स्पेक वेरिएंट होता था जिसका नाम पोर्टफोलियो है, बट जो अब नई जागवार 2021 एक्सेप्ट वेरिएंट में आपको एक अडैप्टिव एलईडी हेडलैम्प प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिल जाएगा जो डबल जे ब्लेड डीआरएल सिग्नेचर के साथ आता है, जो ऑलरेडी आपको नई वाली XJL में और साथ ही साथ जो अपडेटेड FPS अभी आई है उसमें देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, जो दूसरे फीचर की हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली इंटीरियर बेस्ड रहने वाला है। 2021 जागवार एक्सेप्ट जो आने वाली है उसके अंदर आपको एक कंप्लीट न्यू इंटीरियर का फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आपको JLR की जितनी नई आजकल ट्रिम्स आ रही हैं उनके अंदर दो स्क्रीन्स आ गई हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा लॉक एंड लॉक बटन जो ऑलरेडी थोड़ा हायर प्लेस हुआ है और डेफिनेटली बेटर क्वालिटी लेवल्स। इस पर्टिकुलर ट्रिम में आपको वही सेम स्टेयरिंग देखने को मिल जाएगा जो रिसेंटली आपको XE फेसलिफ्ट में देखने को मिला है, एंड जो उसका रोटरी डायल है वो भी बिल्कुल जागवार XE जैसा ही डिज़ाइन किया गया है और सेम जो उसमें यूज़ हुआ है वही इसी में कैरी फॉरवर्ड किया गया है आपको। और इसमें आपको एकदम और एक चीज़ और, इसमें आपको 11.4 इंच की नई हाई डेफिनेशन इंफरटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगी जो आपको ऑलरेडी XE में देखने को मिल रही है, बट उसका ये थोड़ा बिगर वर्जन है जिसे जागवार PV प्रो इंफरटेनमेंट सिस्टम के नाम से भी बुलाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं लास्ट फीचर की तरफ। सो गाइस, जो तीसरे फीचर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है 2021 जागवार के इंजन ऑप्शंस। इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो पहला पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 250 हॉर्स पावर विद अराउंड 365 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और ये इंजन केपेबल होगा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाने के लिए अराउंड 6.9 सेकंड्स में। अगेन आगे बढ़ते हैं सेकंड पेट्रोल इंजन ऑप्शन की तरफ जो जागवार हमें ऑफर कर रही है। इस इंजन ऑप्शन ये थोड़ा बहुत ज़्यादा केपेबल है और यही प्रॉपर इंजन जागवार एफ टाइप स्पोर्ट्स कार में जो अर्लियर पहला एक वर्जन आता था उसमें यूज़ हुआ है। इस पर्टिकुलर इंजन में आपको 300 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क का देखने को मिलेगा एंड ये इंजन केपेबल है 0 to 100 पे जाने के लिए इन जस्ट अराउंड 6.1 सेकेंड्स। और जो डीजल इंजन है उसकी पावर थोड़ी कम है बिकॉज अगेन वो डीजल इंजन है, बट उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एफ टाइप वर्जन ऑल्सो। जो डीजल इंजन है इसकी हॉर्स पावर होने वाली है 204 हॉर्स पावर एंड इसका 430 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क देखने को मिलेगा जो 24 BHP ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मोस्ट केपेबल पेट्रोल इंजन दैट जागवार एक्सेप्ट 2021 इज ऑफरिंग। एंड गाइज, आपको ये गाड़ी तीन वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी बजाय पोर्टफोलियो के नाम से। सो बेसिकली जागवार के अपने अपने वर्जन थे लाइक पोर्टफोलियो लेवल एंड प्रेस्टीज लेवल जिसके हिसाब से जागवार डिस्टिंग्विश करती थी अपने मॉडल्स को, बट अब से जागवार ने डिसाइड किया है कि उनको तीन बेसिक नाम देगी जिसका नाम होगा SSE एंड HSE। HSE इज ऑलवेज लाइक टॉप ऑफ द लाइन, जैसे लैंड रोवर में भी HSE सबसे ज़्यादा टॉप मॉडल माना जाता है और ये गाड़ी कम्पीट करेगी ऑडी A6, BMW 5 सीरीज और मर्सिडीज ई क्लास से। सो गाइज, आप अपने नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दिस वॉज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द 2021 जागवार XF। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द पर्टिकुलर वीडियो कि क्या मर्सिडीज ई क्लास या ऑडी A6 या BMW 5 सीरीज एक 2021 जागवार XF से ज़्यादा केपेबल गाड़ी है कि नहीं। डू लीव योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज टू कम। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल टॉक टू यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।